गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बजे हैं 10:30। सारा काम हो गया है, नाना धोना सारा कुछ हो चुका है और अब मैं बना ले रही हूँ नाश्ता। तो चाय वगैरह तो मेरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ अब नाश्ता बनना है। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज जो फ्राई राइस होते हैं वो, और रात के जो चावल हमारे बचे हुए थे तो उन्हें ही मैं दोबारा से फ्राई कर ले रही हूँ। और ये जो मैंने टमाटर चॉप कर लिए हैं और सोया बरी है उसे भी मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया है, तब तक ये फूल जाएंगे तब तक मैं चॉपिंग कर ले रही हूँ। और मटर है उसे भी थोड़ा सा हल्का सा बॉईल कर लेंगे। और ये हमने आलू भी चॉप कर लिया है छोटा छोटा, तो इसे मटर और आलू हल्के हल्के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मटर को बॉईल करने रख दिया है और उसी में आलू भी डाल दिया है। ये दोनों बॉईल हो जाएंगे, तब तक मैं काट लेती हूँ प्याज। और प्याज और हरी मिर्च मैंने दोनों एक साथ ही काट लिए हैं। और यहाँ पे जो सोया बरी मैंने भिगोने रखी थी तो वो भी फूल गई है अच्छे से। अब इसे पानी से निकाल ले रहे हैं और फिर तेल में फ्राई कर लूँगी। और ये जो और यहाँ पे मेरी आलू मटर भी बॉयल हो चुके हैं, तो इन्हें निकाल लेती हूँ पानी में से, क्योंकि ज़्यादा देर पानी में गर्म पानी है तो ज़्यादा देर पानी में डले रहेंगे तो मतलब और भी ज़्यादा मतलब पक जाएंगे। तो इन्हें निकाल लेती हूँ। और ये ले लिए हैं मैंने रात के चावल, लिए हैं मैंने चावल और प्याज मिर्च ये चॉप कर लिया है। और यहाँ मैंने टमाटर चॉप कर लिए हैं। और ये है मटर और आलू, इन्हें हल्का सा बॉयल कर लिया है। ये है सोयाबीन की बरी, इन्हें भी गर्म पानी में डाल के देखो फुला लिया है। अब ये देखो एकदम सॉफ्ट सी हो गई है, तो अब इन्हें मैं कर लूँगी तेल में फ्राई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया है सरसों का तेल और अब कर लेते हैं सोयाबीन फ्राई। और ये जो मतलब सोयाबीन की बरी है तो मैंने उसको छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, और जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक मैं इसे ऐसे ही फ्राई करूँगी। और ये है मेरा सामान पूरा मटेरियल जो मैं बनाऊँगी, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मेरी जो बरी है वो अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सेम कढ़ाई ले ली है और उसमें थोड़ा सा तेल और ऐड कर ले रही हूँ, क्योंकि जो अभी बरी फ्राई हुई थी तो उसमें तेल मतलब चला गया है, तो थोड़ा तेल और ऐड कर लेती हूँ। और फिर मैंने डाल दिया इसमें हींग और जीरा, तो जीरा चटक जाएगा, तो इसमें डाल देती हूँ मैं प्याज और मिर्च। तो प्याज और मिर्च अच्छे से फ्राई कर लूँगी ब्राउन होने तक। और यहाँ पे हर्षु अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम और हर्षु एक दूसरे से बातें भी करते जा रहे हैं। और परी है वो अभी सो रही है, तो तब तक काम मतलब परी सो रही है तब तक थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते हैं, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। और यहाँ मेरी प्याज और मिर्च फ्राई हो गई हैं। और यहाँ सबसे बड़ी गलती हो गई, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी थी और लेकिन रिकॉर्डिंग हमारी नहीं हुई। और जब हर्षु ने देखा तब फिर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, सारी मेहनत बर्बाद चली गई। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दे रही हूँ, मैंने जो प्याज और मिर्च फ्राई कर लिए थे तब फिर मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर, और टमाटर में मैंने डाले थे रूटीन के मसाले जैसे हल्दी, नमक, लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया। और जब टमाटर अच्छे से गल गए, फ्राई हो गए थे, तो मैंने उसमें डाल दिया था मटर और आलू और सोया बरी। फिर जब थोड़ी देर के बाद फिर मैंने डाल दिए थे ये चावल, और चावल हाथ से मैश कर दिए थे, एक एक तो वैसे भी था लेकिन कर दिए। और अब ये हो गए हैं फ्राई, तो मैंने इसमें तो फ्रेंड्स ये हो गए हैं मेरे राइस फ्राई। और अब हम लोग खाने का मतलब प्रोसेस शुरू करते हैं। और यहाँ हर्षो को बहुत ही भूख लग रही थी,
और उनके लिए मैंने लगा दी है। अब ये प्लेट मैं लगा रही हूँ आप लोगों को, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। और ये लगा दी है मैंने आप लोगों की प्लेट, आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खा लेते हैं। हो गया परो, आ जाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे, और मुझे धुलने थे कपड़े। तो नीचे बाथरूम है लेकिन मतलब पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग कपड़े छत पे ही धुलते हैं। और जब मैं कपड़े धुलती हूँ तो परी को भींगने का मौका पूरा पूरा मिलता है, कितना भी रोको ये मानती नहीं है बिल्कुल। और अभी भी जिद कर रही थी, जबकि उसे आधा घंटा हो गया पानी में भींगते भींगते, फिर भी ये जिद कर रही है। तो मैं इसे ज़बरदस्ती गोद में उठा के नीचे ले गई, लेकिन ये लड़की नीचे भी बहुत तेज़ रो रही थी। ऐसे कौन रोता है? और अभी बज रहे हैं 5 बज रहे थे, और यहाँ मैं मलाई फेर रही हूँ अपनी। तो मेरी ये 10 दिन की मलाई है, तो मैं मायके चली गई थी तो मैंने नहीं कर पाई और इकट्ठी होती रही, तो ये 10 दिन की पूरी मलाई है। तो अब मैं इसे फेर लेती हूँ हैंड ब्लेंडर से। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा देसी घी बनके तैयार हो गया है, और देसी घी में खुशबू तो इतनी अच्छी आती है जब इसे पकाते हैं तो। और हमारे हस्बैंड को तो घर का ही घी खाने में मतलब उन्हें घर का घी पसंद है, वो बाहर का घी खाते नहीं है। और ये है मेरे चुन्नू मुन्नू दोनों, तो इन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए था, तो अभी किचन में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये गरी है, तो परी को गरी बहुत पसंद है, तो दोनों को मैंने वही दे दी है। तो फ्रेंड्स यही करते हैं वीडियो का एंड, और मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, गुड नाइट। गुड नाइट ही हो रही है, 5 बज गए हैं तो इवनिंग तो हो ही गई है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।